ये बहुत बड़ी बात है और हम सब इसके शिकार कभी न कभी हो जाते हैं, अपने अपने मैक के शिकार कभी न कभी हो जाते हैं। तो ये कहीं भगवान राम को हमारे तरफ ना देखना पड़े, इसलिए हम लोग मैं से तो बचे। और कल मैं कहीं पढ़ रहा था अंदर का रावण है, हम सब बाहर रावण तलाशते रहते हैं, लेकिन जो अपने अंदर का रावण है वो पांच है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। क्योंकि आपको कब गिरा दे, कहां गिरा दे, किस घड़ी में गिरा दे, कुछ पता नहीं है। तो भगवान राम हम सबको शक्ति दें काम क्रोध लोभ अहंकार, उससे हम सब बच पाए। और चूंकि मैं आप लोगों ने मुझे चुन के जिस काम के लिए भेजा है, इस काम के अंदर अगर सेवा भावना से करी जाए तो इससे बड़ा रास्ता नहीं पुण्य करने के लिए, लेकिन सेवा भावना होनी चाहिए। तो आप सबके आशीर्वाद से, भगवान राम के आशीर्वाद से मुझे इन पांच रावण से मुक्ति मिले और मैं से मुक्ति मिले, ये बहुत जरूरी है। मैं 24 घंटे आपके सेवा में तत्पर रहता हूं, जब भी जहां भी आपके काम आ सकूं, भगवान के मंच से बोल रहा हूं, मेरा ये सौभाग्य होगा। तो कहीं भी कभी भी आप मुझे सेवा का मौका दें, भरपूर प्यार से, भरपूर सेवा भावना से इसमें तत्पर हूं। ये बहुत ही संस्कारी माहौल है, कम से कम आज हम चित्रा जी के मुंह से ही सुनते रहे कि भाई, क्योंकि जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मुझे मंदिर में आने का मौका मिलता है, जिस किसी वक्त भी, जिस किसी भी अवसर के ऊपर भी, तो इनको सुनते रहने का मौका लगता है, सुनते रहिए। इनके हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ है, हम सब कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ लेके आए हैं, और वो अगर हम सब पहचान लें कि भाई हमें परमात्मा ने क्यों करके भेजा है। चित्रा जी के बीच में नहीं आऊंगा ज्यादा देर, मुझे लगता है कि हम उन्हीं को सुने। भगवान श्री राम की, सबकी हाथें उठनी चाहिए, क्योंकि भगवान का जय जयकार करना, इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की।